नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जहां पे आईटीआई छात्रों के लिए अलग अलग कैटेगरी में परीक्षा आयोजित की गई थी। और इस परीक्षा में नकल करते हुए दो चोर पकड़ा गए और इनके चोरी करने के आरोप में पूरी परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। अब यहां पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो बहुत दूर दूर से एग्जाम देने के लिए गए थे, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, तीन तीन दिन की यात्रा करते हुए लोग केरला पहुंचे थे एग्जाम देने के लिए। और बच्चे एग्जाम देने के बाद बहुत हैप्पी थे, एग्जाम अच्छा गया था बहुत सारे बच्चों का। और ट्रेन में ही थे अभी, तब तक नोटिस आ गया कि भाई एग्जाम को रद्द कर दिया गया। रद्द क्यों किया गया है, अब एग्जाम कब होगा, और जो व्यक्ति एग्जाम में बैठा था, चाहे जो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया था, अब वो लोग क्या करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जैसा कि न्यूज में आपको देखने को मिला होगा, पेपर में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे और दो चार जो न्यूज चैनल है, टीवी चैनल है, उस पर भी न्यूज चलाया जा रहा था कि इसरो भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए हरियाणा के दो युवक गिरफ्तार हुए। ये गिरफ्तार कैसे हुए थे, इनकी कहानी बताते हैं हम आपको। ये किसी दूसरे के स्थान पर ये परीक्षा देने गए थे, और ये किसी दूसरे का स्थान पर जब परीक्षा देने गए थे तो इन्हीं के आसपास वाले या कोई होगा जो कॉल करके वहां तिरुवनंतपुरम पुलिस को बता दिया कि भाई आज जो विक्रम साराभाई का एग्जाम होने वाला है इसरो का, उसमें कुछ व्यक्ति मोबाइल लेकर अंदर बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो जो केरला पुलिस थी वो हरकत में आई और जहां पे विक्रम साराभाई इसरो का एग्जाम सेंटर था वहां पे गई और वहां पे जो एग्जाम निरीक्षक थे उनको बताया गया कि भाई ऐसा है। उन्होंने जांच किया तो दो युवक पकड़े गए संदिग्ध अवस्था में, मतलब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। और पता करने पर पता चला कि भाई ये ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं है, ये किसी दूसरे के जगह पे परीक्षा देने के लिए वहां पहुंचे थे। और डेटा जब निकाला गया तो काफी चौंकाने वाला डेटा आया कि हरियाणा से लगभग 400 बच्चे थे जो एग्जाम देने के लिए वहां तिरुवनंतपुरम में पहुंचे थे। अब पुलिस को यह शक है कि ये दो केवल पकड़े गए, हो सकता है कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे 400 में जिनको प्रश्न पत्र बता दिया गया होगा, जो चोरी कर रहे थे लेकिन पकड़े नहीं गए हैं। और वैसे में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो तिरुवनंतपुरम पुलिस है वो हरियाणा के लिए रवाना दी हो गई है। वहां भी शक है कि कुछ कोचिंग संचालक है हरियाणा के, राजस्थान के, शायद इसके पीछे वो भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि दो को गिरफ्तारी हो गई है, जेल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन चोरों की वजह से, इन निकम्मों की वजह से, इन पापियों की वजह से बहुत सारे बच्चे जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से तीन दिन का, चार दिन का यात्रा करके केरला पहुंचे थे एग्जाम देने के लिए किसी तरह। बहुत सारी मेरी कोचिंग की लड़कियां थी जो किसी तरह मजबूरी में बिना टिकट के जनरल से यात्रा करके पहुंची थी एग्जाम देने, और एग्जाम देकर खुशी खुशी वापस भी आ रही थी। रास्ते में पता चला कि भाई एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, और कैंसिल करने के पीछे वजह था ये दो चोर। दुख तो होता है कि भाई इस तरह के निकम्मे लोगों की वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे वो मार खा जाते हैं, किसी का टैलेंट खराब हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या कर सकते हम लोग, एक तो है कि दिल को तसल्ली दिलाना पड़ेगा, चलो कम से कम कैंसिल तो हो गया। अगर नहीं पता चलता, बाय द वे पता नहीं चलता, तो न जाने ऐसे कितने चोर उसमें बैठ के एग्जाम दे रहे होंगे और उन लोगों का नौकरी हो जाता। और आप लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, इतनी लंबी लंबी यात्राएं करके एग्जाम देने जाते हैं, वो मेहनत बेकार हो जाता। तो अपने आप को थैंक्स बोलिए कि ऊपर वाले आपको बचा लिए, कि भाई जो आप मेहनत किए थे, ठीक है, तीन दिन का यात्रा करना पड़ा, थकान हो गया, परेशानी हुआ, सब चीज हुआ, पैसे खर्च हुए, कम से कम आपका मेहनत बच तो गया। क्योंकि आप कितना भी अच्छा नंबर लाते, इन लोगों की वजह से आप सफल नहीं हो पाते। और इसरो इसीलिए एग्जाम को कैंसिल किया कि भाई जो टैलेंटेड बच्चा है ना वो मेरे यहां आए, ये चोरों को रखने का जगह इसरो नहीं है। ये चोर जाकर क्या करते, जो अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, बहुत जल्द चंद्रयान 3 हमारा
चंद्रमा पर लैंड करने वाला है विक्रम रोवर के मदद से, और ये गधे जब जाते इसरो में तो ये एक भी मिशन कंप्लीट नहीं था, फेल कर देता। इन लोगों का बनाया हुआ रोवर रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाता, क्योंकि इसरो में जो टेक्नीशियन पद होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं के हाथों से सारा चीज असेंबल किया जाता है और असेंबली पूरी खराब हो जाती। और इसरो में अगर चोर लेवल के लोग जाए, चोर मानसिकता के लोग जाए, नकल करने वाले जाए, गधे लोग जाए, निकम्मे लोग जाए, तो इसरो इसरो नहीं रहेगा। इसरो ने साबित कर दिया कि हां मैं हूं और मैं निष्पक्ष हूं, ईमानदार हूं, और मुझे मेरे यहां नौकरी करना है तो भाई मेहनत करके आना पड़ेगा, पढ़ाई करके आना पड़ेगा, और बिना पढ़ाई करने वाले, बिना मेहनत करने वाले मेरे यहां नहीं आ सकते। बाई दरिया जी यहां पास भी हो जाते ना तो शायद ये जरा दिन तक इसरो में नहीं रह पाते, क्योंकि इसरो को जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी कुछ लोगों को निकाला जाता है, अगर जानकारी नहीं है तो वहां से जाना निश्चित तय रहता है। तो मेहनत कर आप किए हैं, आप वहां तक गए, परेशान हुए, कोई बात नहीं, होता है जिंदगी है, ये सब चीजें होती रहती हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इसरो ने ऑफिशियली लेटर जारी करके ये चीज को डिक्लेयर कर दिया गया है कि हमने एग्जाम को कैंसिल किया है, ठीक है। जो एग्जाम हो रहा था टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी और रेडियोग्राफर ए, और एडवर्टाइजमेंट नंबर था 324, और इसे 20 अगस्त को इसका एग्जाम लिया जा रहा था, जो वेरियस टेस्ट सेंटर है तिरुवनंतपुरम में अलग अलग सेंटर पर एग्जाम हो रहा था, लेकिन एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। और बीएससीसी ने बोला है कि भाई जल्द हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस एग्जाम का फिर से रिशेड्यूल करेंगे, फिर से एग्जाम लेंगे, उस एग्जाम में सभी लोग अपियर होंगे, ठीक है। और कुछ यहां पर क्लियर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि एग्जाम क्यों कैंसिल किए हैं, लेकिन बात यह था, आप देख सकते हैं पेपर में ये चीजें छपी हुई है। दूसरा चीज ये है कि जो एग्जाम कैंसिल होता है ना, तो उसमें जो बच्चे अपियर होते हैं उन्हीं को दोबारा से मौका दिया जाता है, जो अपियर नहीं हुए थे, मतलब जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें जो बच्चे वहां पर नहीं गए होंगे परीक्षा देने, दोबारा से जब रिशेड्यूल किया जाएगा तो उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो एग्जाम देने वहां पहुंचे थे, ऐसा होता है। लेकिन क्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऐसा करेगा या नहीं करेगा, इसको हम क्लियर नहीं बोल रहे हैं, बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा तो पता चलेगा क्या होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल आपको करना क्या है कि पेपर तो सबके हाथ में मिला हुआ है, पेपर का क्या लेवल था, कहां से क्वेश्चन आया था, सब चीज आप जान रहे होंगे, तो बाबू उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, सेम टॉपिक रिपीट करेगा उसी तरह के प्रश्न आएंगे, है ना। एक बार मान के चलो कि आपने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है ना, अब फाइनल एग्जाम होने वाला, वो सेमीफाइनल था, अब फाइनल होगा, और फाइनल से पहले अगर सेमीफाइनल खेलने का जिस खिलाड़ी को मौका मिल जाता है वो फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भाई क्या घटनाएं होने वाली, क्या कहानी होने वाला है, एक्चुअल सिचुएशन में आपको बैठा कर एग्जाम लिया गया है, एकदम इसरो का जो एग्जाम होता है उस तरह से बैठ के आपने एग्जाम दिया है, उस टेंशन में, उस फ्रस्ट्रेशन में, उस टाइम का जो एक रिक्वायरमेंट होता है कि बस आधे घंटे, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट में एग्जाम कंप्लीट करना है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को प्रैक्टिस कर गए हैं, वो सिचुएशन फिर से आपके सामने आएगा तो आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करके जाइएगा, फिर से अच्छे से, ठीक है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और जाना सबको है, ध्यान रखना, अब ऐसा डिसीजन मत ले कि नहीं जाना है, जाना है, ठीक है ना। जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है एग्जाम देने से, आपको चीजें क्लियरिटी होती है कि भाई कहां कहां मेरे अंदर मिस्टेक हो सब सुधर जाता है। तो सब लोगों को जाना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। जिंदगी में ऐसे ऐसे कठिनाइयां आएंगी और कठिनाइयों से जो डर गया, उमर गया, वो कभी सफल नहीं हो सकता, इसीलिए सफलता चाहिए तो हजार कठिनाइयां आए, हजार मुसीबत आए, टिकट मिले ना मिले, जर्नल से यात्रा करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन जो अंतिम पॉइंट तक पहुंचता है सफलता उसको ही मिलता है, क्योंकि सक्सेस का जो दरवाजा है वो अंतिम पॉइंट ही होता है, अंतिम बिंदु होती है जहां से दरवाजा खुलता है सफलता का, बीच में कभी कोई स्पेस, कोई जगह नहीं मिलता है जहां से आपको नौकरी मिलता है। इसीलिए आपको जाना होगा और जाने के लिए तैयार रहिएगा, और जाने से पहले अभी से जी जान लगाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और बहुत बड़े लेवल पर प्रैक्टिस करना है,
अगर आपके पास क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं तो इजी वे के क्वेश्चंस बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सब लोगों के लिए क्वेश्चंस बैंक अवेलेबल है। आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इजी वे के क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक परचेज करके डाउनलोड करके वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, मतलब 100 बार, 200 बार, 2000 बार भी प्रैक्टिस कीजिएगा, वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, और आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। हाँ, फिटर का इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे जो ये बीएससी में पूछा गया था सारे सवालों का सोल्यूशन करा दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन का 1 से 2 दिन में सोल्यूशन करा दिया जाएगा, उस सोल्यूशन को देख लीजिएगा और देखकर फिर से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच।